उच्च क्रम की अवकल समीकरण मैथमेटिक्स थर्ड हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर है 6 d q plus 2 d square plus 2 d square minus d minus 2 minus 2 y is equal to e to the power x. अब देखिए सहायक समीकरण हमारा हो जाएगा सहायक समीकरण क्योंकि यहां जीरो नहीं है इसलिए इसको हल करने के लिए CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन और PI पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे CF, सहायक समीकरण हमारा हो जाएगा D को M परिवर्तित कर देंगे M क्यूब प्लस 2M स्क्वायर माइनस M माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर कैसे किया जाएगा, शेषफल प्रमेय से या माइनस एम स्क्वायर एम प्लस 2 ठीक है माइनस 1 एम प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। एम प्लस 2 दोनों में है तो एम प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है तो उसमें से एक अवश्य जीरो होगा। यदि एम प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो तो एम इज इक्वल टू माइनस 2। यदि एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए एम के तीन मान आ गए, कौन कौन से मान आ गए आप देखिए, एम इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 माइनस 1 और 1। अब हम अपना कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे CF। अब देखिए CF हम कैसे लिख रहे हैं, पूरक फलन CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x प्लस C3 e टू द पावर x। पूरक फलन निकालने के बाद हम निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल या PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू हो जाएगा 1/d³ + 2d² - d - 2 e⁻²। जब e⁻² होता है तो x का जो कोफिशियंट होता है वही d के जगह पर हम रख देते हैं, यह हो जाएगा आपका 1/(1+2) - 1 - 2 2 × 4 = 5 में से 1 निकल जाएगा, यह आ जाएगा आपका
डी क्यूब टू डी स्क्वायर माइनस बी माइनस टू, वन निकाल रहे हैं तो वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया इसको हम चेंज कर देंगे। टू वन जीरो हो गया इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स वन अपॉन डी प्लस वन क्यूब प्लस टू डी प्लस वन स्क्वायर माइनस डी प्लस वन माइनस टू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन वन टू एट प्लस एट माइनस टू माइनस टू। ई टू द पावर एक्स यह हो गया आपका एक्स ई एक्स 12। अब हमारा संपूर्ण हल होगा, संपूर्ण हल सी एफ प्लस पी आई वाई इज इक्वल टू सी वन ई माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई माइनस एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई एक्स अपॉन 12। देखिए क्वेश्चन आपका है डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू वाई ई एक्स एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एम प्लस टू माइनस वन एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एम प्लस टू कॉमन लेने पर एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दो संख्याओं का गुणनफल जीरो हो तो उसमें से एक अवश्य जीरो होता है। यदि m प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो m इज इक्वल टू माइनस टू। एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो m स्क्वायर इज इक्वल टू वन या m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब m की तीन वैल्यू हो गई माइनस टू माइनस वन वन। पूरक फलन सी एफ हो गया c1 e टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री ई एक्स। अब पी आई के लिए वन अपॉन डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू। अगर एक्स की वैल्यू वन हम रखते हैं तो वन और टू वन थ्री थ्री जीरो हो जाता है तो एक्स ऊपर लिख करके और डी प्लस वन क्यूब टू डी प्लस वन स्क्वायर माइनस डी प्लस वन माइनस टू
112 cube 8 हो जाएगा, 12 square 4 into 2 8, 112 minus 2, यह हो गया 16 minus 4 is equal to 12। तो x e to the power x संपूर्ण हल हो गया CF plus PI, या y is equal to C1 e minus 2x plus C2 e minus x plus C3 e to the power x plus x e x upon 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, d cube y dx square minus d square y dx square plus 4 d dx of y dx of y 4 d dx of y minus 4y minus 4y is equal to e to the power x। अभी देख लीजिए कि यहाँ हम d cube y upon dx cube के जगह पर लिख लेते हैं d square y और dx square के जगह पर लिखते हैं d square y, और d dx of y के जगह पर लिखते हैं d dx of y के जगह पर लिखते हैं dy। अब हमारा जो प्रश्न है वो बदल जाएगा, d cube minus d square plus 4d minus 4y is equal to e to the power x। अब मेरा क्वेश्चन यह हो गया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए, चूंकि यहाँ जीरो नहीं है, e टू द पावर x है, इसलिए हमको CF और PI दोनों ज्ञात करना पड़ता है। तो पहले हम CF ज्ञात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण d के जगह पर हम m लिख देते हैं, तो m³ minus m² plus 4m - 4 is equal to 0। अब देखिए इसका हम फैक्टर कर रहे हैं, m स्क्वायर दोनों में है, तो m स्क्वायर कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा m² - 1। इन दोनों में 4 है, 4 ले लिया तो m - 1 is equal to m - 1 दोनों में है, यहां लिखेंगे m - 1 m² plus 4 is equal to 0। हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उसमें से एक अवश्य 0 होगा। तो यदि m - 1 is equal to 0 तो m = 1 हो जाएगा। यदि m² plus 4
इज इक्वल टू जीरो है तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, या इसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आई स्क्वायर, माइनस वन बराबर होता है आई स्क्वायर। अब एम के दो मान हो जाएंगे प्लस टू आई माइनस टू आई। अब हमारा पूरक फलन या कंप्लीमेंट्री सी एफ हो जाएगा सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू कॉस टू एक्स प्लस सी थ्री साइन टू एक्स। अब हमें निकालना है पी आई या पार्टिकुलर इंटेग्रल। अब पार्टिकुलर इंटेग्रल के लिए देखिए, इसको लिखेंगे वन अपान डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस फोर ई टू द पावर एक्स। एक्स का कोफिशियंट वन है तो वन हम यहाँ पर रख दें, ये हो जाएगा वन वन माइनस वन प्लस फोर माइनस फोर। अब यहां देखिए यह जीरो हो जा रहा है, यह जीरो हो जा रहा है, इसलिए x को यहां लेकर के यहां x d प्लस वन लिखते हैं। इज इक्वल टू x वन अपान डी प्लस वन माइनस डी प्लस वन स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस वन माइनस फोर। एक्स वन अपान डी के जगह पर हम वन रखते हैं तो वन और वन टू, टू क्यूब हो जाएगा एट माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस वन वन टू, यह हो जाएगा एट माइनस फोर ई टू द पावर एक्स, यह हो जाएंगे आपके एट निकल जाएगा तो एक्स ई एक्स अपान एट। संपूर्ण हल होगा सी एफ प्लस पी आई सी वन ई एक्स प्लस सी टू कॉस टू एक्स प्लस सी थ्री साइन टू एक्स प्लस एक्स ई एक्स टू द पावर एट।
यहां देखिए x इज इक्वल टू 1 रखने पर, यदि x इज इक्वल टू 1 रखने पर fd इज इक्वल टू 0, तो fd डैश निकालेंगे, fd डैश निकालेंगे x 1 अपॉन 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 e टू दी पावर x। अब यहां हम रखेंगे x की वैल्यू 1 रखेंगे, यह हो जाएगा x 1 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस 4 e टू दी पावर x। अब देखिए 4 और 3 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा x ex अपान 5, x ex अपान 5। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। चूंकि ई टू द पावर x आ गया है, इसमें cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालेंगे, तो d क्यूब y d x क्यूब के जगह पर हमने रख दिया d क्यूब y, d स्क्वायर y d x क्यूब के जगह पर रख दिया d स्क्वायर y, d d x ऑफ y के जगह पर लिख दिया dy। अब आपका प्रश्न बदल गया, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सहायक समीकरण निकालते हैं, तो d के जगह पर m रखने पर m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन ले लिए तो m माइनस 1 प्लस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Implies that m minus 1, m square plus 4 is equal to 0. m minus 1 is equal to 0, m is equal to 1. m square plus 4 is equal to 0, so m square is equal to minus 4. Minus 1 को हम i square लिख दें, तो 4 का वर्गमूल होगा 2i square का i. तो m is equal to plus minus 2i. अब m के तीन वैल्यू हो गई 1, प्लस 2y माइनस 2y, अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका c1 e टू द पावर x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन d क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 e टू द पावर x। x की वैल्यू 1 रखने पर 0 आ जा रहा है, तो अब हम डी क्यूब और डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 का अवकलन कर दिया तो 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। अब x की वैल्यू 1 रखने पर x 1 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस 4 e टू द पावर x इज इक्वल टू x ex अपॉन 5। संपूर्ण हल होता है cf कंप्लीट सॉल्यूशन cf प्लस pi c1 ex प्लस c2 cos 2x plus c3 sin 2x plus x ex upon 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अब हम क्या करेंगे कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे डी स्क्वायर वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर लिखेंगे डी वाई। अब हमारा प्रश्न बदल जाएगा, प्रश्न हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स, क्योंकि यहाँ ई टू द पावर ए एक्स है, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम सी एफ और पी आई दोनों ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम सी एफ ज्ञात करेंगे, उसके लिए सहायक समीकरण लिखेंगे, सहायक समीकरण, सहायक समीकरण का होगा d के जगह पर m रख देंगे तो m स्क्वायर माइनस टू ए एम प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि m माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, m माइनस ए का होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस टू ए एम प्लस ए स्क्वायर। अब यहां से m माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो m की दो वैल्यू हो जाएंगी, m की दो वैल्यू हो गई, इसलिए पूरक फलन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e टू द पावर ax। अब PI निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल, PI इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। अब देखिए एक्स का कोफिशियंट ए है, तो यहाँ हम डी के जगह पर ए लिख देते हैं, यह हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जोड़ा जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 अपॉन 0। इसलिए पी आई इज इक्वल टू एक्स 1 अपॉन, अब इसका अवकलन कर देते हैं तो 2d माइनस 2a, 2d माइनस 2a, ठीक है, इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अब यहां हम रखेंगे ए एक्स 1 अपॉन 2
एफ डी की वैल्यू रखा जाए। डी डी बराबर हमने ए रख दिया, यह हो गया टू ए माइनस टू ए और टू ए माइनस टू ए, टू डी माइनस टू ए जीरो हो गया। अब फिर इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं ई ए एक्स, फिर ये जीरो हो गया इज इक्वल टू एक्स वन अपान जीरो ई ए एक्स। फिर हम इसका क्या करेंगे, इसलिए फिर पी आई लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन अपान डी का लिखेंगे अवकलन, यह हो जाएगा टू ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स अपॉन टू। अब आइए संपूर्ण हल, संपूर्ण हल सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपका है सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई ए एक्स अपॉन टू। यह रहा है आपका कंप्लीट हल या संपूर्ण। फिर से देख लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है ए स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया, डी स्क्वायर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई को लिखा डी वाई। प्रश्न बदल गया डी स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स। सहायक समीकरण हो जाएगा डी के जगह पर एम रख देने पर एम स्क्वायर माइनस टू ए एम प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो।
का फैक्टर हम कर दिए तो m माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या m माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो m की दो वैल्यू हो गई a a। अब पूरक फलन सी एफ हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर ए एक्स। चूंकि यहाँ दे दिया गया है ई टू द पावर ए एक्स, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमको निकालना पड़ेगा। तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर। ई ए एक्स में एक्स का कोफिशियंट ए है, तो d के जगह पर अगर a हमने लिखा तो a स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया वन अपान जीरो, वन अपान जीरो ई ए एक्स। अतः फिर हम इसका अवकलन किया तो वन टू डी माइनस टू ए ई टू द पावर ए एक्स। पुनः x बराबर a रखने पर एक्स वन अपान टू ए माइनस टू ए ई ए एक्स, यह पुनः जीरो हो गया। इसलिए पुनः इसका अवकलन हमने किए तो टू डी का टू हो गया और एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। यह हमारा सी एफ संपूर्ण हल हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई सी वन प्लस सी टू एक्स ई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन टू। यह रहा है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब 2 टू द पावर x को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x log 2। इसको लिखा जा सकता है 2x को e टू द पावर x log 2 और डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब को हम लिखेंगे डी क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे डी स्क्वायर वाई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बदल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 18 वाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। अब देखिए चूंकि यहां 2 टू द पावर एक्स दे दिया है तो हमको दोनों चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी, हमको दोनों चीज ज्ञात करनी पड़ेगी, पार्टिकुलर इंटीग्रल और पूरक फलन। पूरक फलन निकालने के लिए सहायक समीकरण लिखेंगे, सहायक समीकरण डी के जगह पर हम यम लिख देते हैं तो यम क्यूब माइनस यम स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका हम फैक्टर कर रहे हैं,
टिन के कई खंड हो जाएंगे, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, नाइन। अगर यहाँ हम थ्री रख दें तो 27 और 9 और 18 जीरो हो जाएगा, इसलिए m इज इक्वल टू 3 एंड m माइनस 3 एक फैक्टर इसका है, तो m माइनस 3 यहाँ लिख दें, यहाँ लिखना पड़ेगा m स्क्वायर, माइनस 3 m स्क्वायर है तो यहाँ हम लिख दें प्लस 3 m स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारा मूल उद्देश्य कि सभी में m माइनस 3 आ जाए, तो m स्क्वायर m माइनस 3 प्लस 3m m माइनस 3। फिर यहाँ देखिए एक लाइन और लिख लीजिए, 2m स्क्वायर माइनस 18। m स्क्वायर m माइनस 3 प्लस 2m m माइनस 3। अब यहाँ देखिए 2m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6m होगा, तो यहाँ लिख दें हम प्लस 6m माइनस 18 इज इक्वल टू m स्क्वायर m माइनस 3 प्लस 2m m माइनस 3 प्लस 6 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m माइनस 3 सभी पदों में है, m माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, अब ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू, दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो एक अवश्य 0 होगा, यदि m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अगर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा तो सिद्धाचार्य की विधि से m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac यह हो जाएगा 24 अपॉन 2। हम निकाल दें माइनस 2 प्लस माइनस 24 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 20, 4 निकल जाएगा तो यह हो जाएगा अंडर रूट माइनस 5 अपॉन 2, या इसे लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5i। अब हमारा पूरक फलन हो जाएगा CF, CF हो जाएगा C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e माइनस x C2 cos अंडर रूट 5x प्लस C3 cos अंडर रूट 5x sin। अब PI ज्ञात करने के लिए PI ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 18। अब देखिए 2 टू दी पावर x के जगह पर हम लिख लेंगे e टू दी पावर x log 2। अब जहां d है हर जगह हम लिख लेंगे e टू दी पावर x log 2, यह हो जाएगा 1 अपॉन log 2 क्यूब माइनस log 2 स्क्वायर
माइनस 18 और यह है आपका 2 to the power यस कंप्लीट संपूर्ण हल हो जाएगा, संपूर्ण हल इज इक्वल टू पी आई सी एफ प्लस पी आई सी एफ आपका है ई टू द पावर सी वन ई टू द पावर 3x प्लस ई माइनस एक्स सी टू कॉस एक्स कॉस अंडर रूट 5x प्लस सी थ्री साइन अंडर रूट 5x प्लस 1 upon log 2 cube प्लस लॉग 2 square माइनस 18। फिर से इसको देख लीजिए जरा, क्वेश्चन है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 2 to the power x। इसको हम रख सकते हैं डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब को रखेंगे डी क्यूब वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को लिख दिया डी स्क्वायर वाई। प्रश्न बदल गया डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 2 to the power x। चूंकि 2 to the power x है तो हमको सी एफ और पी आई दोनों ज्ञात करना है, तो सी एफ के लिए सहायक समीकरण एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको शेषफल प्रमेय से सिद्ध कर रहे हैं हम, तो 18 का 3 खंड होगा तो एम इज इक्वल टू 3 रख दें तो 27 माइनस 9 माइनस 18 0 हो जा रहा है, इसलिए एम माइनस 3 एक फैक्टर है तो एम स्क्वायर एम माइनस 3 प्लस 2m² 3m² में से m स्क्वायर निकल गया 2m² माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर एम माइनस 3 प्लस 2m ले लिया तो यह हो जाएगा m माइनस 3, क्योंकि माइनस 6m है तो प्लस 6m लिख दिया और 6 कामन लेने पर m माइनस 3 आ गया तो यह हो गया m माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर नहीं होने की दशा में हम सिद्धाचार की विधि जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 2 24 में से 4 जाएगा तो 20 4 बाहर ले लेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 5i। ये रहा आपका तो सी एफ क्या हो जाएगा सी वन ई 3x प्लस ई टू द पावर माइनस x सी टू कॉस अंडर रूट 5x प्लस सी थ्री साइन अंडर रूट 5x पी आई इज इक्वल टू हो गया 1 upon d³ माइनस डी स्क्वायर माइनस 18 ई टू द पावर x log 2 2 टू द पावर x के जगह पर हमने लिखा है ई टू द पावर x log 2। अब d के जगह पर log 2 क्यूब माइनस log 2 का होल स्क्वायर माइनस 18 संपूर्ण हल हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई या सी वन ई 3x प्लस ई टू द पावर माइनस x सी टू कॉस अंडर रूट 5x प्लस सी थ्री साइन अंडर रूट 5x प्लस 1 upon log ई 2 का क्यूब प्लस log ई 2 स्क्वायर माइनस 18। यही रहा है आपका कंप्लीट।